216, इसके लास्ट में क्या है 6। अब अगला काम क्या है, हमने यहाँ से ये जो 6 डिजिट है इनको स्ट्रक ऑफ करना है, देन जो इसका आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 6 आने वाला है। जो इसका लास्ट में आंसर देखोगे आप, तो इसका जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 6 ही मिलेगा। आप चाहे ट्राई कर लो घर पे विद द हेल्प ऑफ फोन। नाउ आई हैव 46। अब देखना क्या है कि 46 कहाँ लाइज कर रहा है। देखे यहाँ पे 27 और 64 के बीच में यहाँ पे आपका 46 लाइज करेगा। अब देखिए ये 27 क्या है, दिस इज क्यूब ऑफ 3 एंड 64 क्या है, क्यूब ऑफ 4। अब आपने यहाँ देखना है कि 3 और 4 में स्मॉलेस्ट कौन है, डेट इज 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो इसी मेथड से आप कोई भी नंबर हो बड़े से बड़ा आप निकाल सकते हो, बट मेन काम क्या है आपको 1 से लेके 9 तक के नंबर्स का क्यूब आना जरूरी है। और ये वाला टॉपिक है कहाँ पे है, दिस इज फॉर क्लास 8। आगे जब आप कोई भी एग्जाम दोगे कॉम्पिटेटिव, मान लो जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है, बैंक वगैरह में क्लर्क हो गया, बैंक पीओ कोई भी है, वहाँ यही ट्रिक काम आएंगे। और ये ट्रिक है कहाँ से है, फ्रॉम वैदिक मैथमेटिक्स। ऐसे ही हमारे पास और भी ट्रिक काफ़ी है, रूट कैसे फाइंड करना है सेम वे वो भी कर लेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करना है ईजी वे में, क्यूब कैसे करना है, देर आर लोड्स ऑफ ट्रिक्स इन वैदिक मैथमेटिक्स। सो नेक्स्ट अगली बार जब आऊँगा तो एक और ट्रिक लेके आऊँगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, आपने घर में ट्राई करना अपने आप। लेना क्या है आपने, आप नंबर कौन सा लेंगे जो आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है, कौन सा नंबर जो परफेक्ट क्यूब है, ये ट्रिक वहाँ ही काम करेगा। अगर नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है तो वहाँ पे ये ट्रिक काम नहीं करेगा। इज इट क्लियर। सो एट लास्ट थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक यू।